हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में, बताने के साथ साथ दिखाएंगे भी, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, आपको इसमें क्या करना होगा, सब कुछ डिटेल में बताएंगे वीडियो के लास्ट तक, और ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो के बाद में आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, सभी के कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC, रिफंड ऑफ एग्जाम फीस, अपडेट करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। जैसा कि आप टॉपिक से जान गए होंगे किस चीज़ का नोटिस आया हुआ है, रिफंड ऑफ एग्जाम फीस, अपडेट करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे की तरफ से एक्स्ट्रा फीस ली गई थी, जैसा कि 100 रुपये लग रहा था फीस, लेकिन आपसे 500 रुपये लिया गया था। तो अब रेलवे ने डिसाइड किया है कि जो भी एग्ज़ाम में अपियर हुआ है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम CBT 1 अपियर किया है, दिया है, उसका 400 रुपये उसके खाते में वापस कर दिया जाएगा। तो यही है इस नोटिस में, चलिए आगे देख लेते हैं। एज पर पारा नंबर 7 ऑफ सेंट्रल 1 2019, कैंडिडेट हु हैड अपियर्ड इन द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 हेल्ड फ्रॉम 28/12/2020, यानी 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक परीक्षा चली थी, जिसमें आपके 7 फेज हुए थे। आप लोग का भी इसमें से कोई भी फेज होगा, इसके बाद अब फेज नहीं होने वाले हैं, अब होगा CBT 2। ठीक है, आर इंटाइटल्ड टू गेट द रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस। अगर आप इन सभी फेज में शामिल हुए हैं किसी एक में, तो आपका 400 रुपये और 250 रुपये वापस हो जाएगा। विच वॉज ₹250 फॉर SC ST XSM PWBD फीमेल माइनॉरिटी EBC। ठीक है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट एंड ₹400 फॉर अदर्स। ठीक है, अगर आप ST SC, देखिए यहाँ तक अगर आप हैं तो आपका 250 रुपये, और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 400 रुपये वापस होगा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंकिंग सर्विस चार्जेस एज एप्लीकेबल। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, द एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड ऑलमोस्ट 2 ईयर्स बैक। ठीक है, एप्लीकेशन 2 साल पहले लिया गया था, जिसमें आपसे बैंक अकाउंट नंबर भी मांगा गया था। आगे देखते हैं, एंड द इंटरव्यूनिंग पीरियड चेंजेस माइट हैव ऑक्योर्ड इन द अकाउंट डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। 2 साल पहले लिया गया था, तो बीच में दोस्तों कुछ बैंक मर्ज हुए थे, तो उनका कुछ भी चेंजिंग हो सकती है। तो यहाँ बोला गया है, अगर आपने पहले से अपडेट कर दिया है बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो एक बार चेक कर लीजिए, कुछ भी आपका चेंज हुआ हो तो आप उसको चेंज करा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्क्रूटनी इट ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम द सेम अकाउंट नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ मैनी कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। फर्दर द IFSC कोड ऑफ सम बैंक्स माइट हैव बीन चेंज आफ्टर रिसेंट मर्जर। देखिए अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि 2 साल में बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ है, तो उनका IFSC कोड भी चेंज हुआ है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर आपका सही है तो ठीक है, नहीं सही है, अगर चेंज हुआ है आपके बैंक का, तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि 400 रुपये और 250 रुपये आपके खाते में आएंगे। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू कन्फर्म एंड टेक फ्रेश डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ कैंडिडेट्स टू रिमाइंड द फंड टू करेक्ट बेनिफिशरीज। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, सही कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंगली एन अपडेट बैंक अकाउंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB, विच विल बी लीव फ्रॉम 11/11/2021, 10 बजे से 31 अगस्त 2021, ठीक है, 11 बजे तक ये आपको दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा, आप कब से कब तक इसमें अपडेट कर सकते हैं, 11 अगस्त 2021, 10 बजे से 31 अगस्त 2021, 11 बजे तक आप इतने टाइम में इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, SMS एंड ईमेल विल ऑल्सो बी सेंट टू दिस कैंडिडेट हु हैड अटेंड द CBT, और इनका ये पैसा उसी को वापस होगा जिसने CBT 1 में अपियर किया है, जिन्होंने CBT 1 दिया हुआ है। अगर आपने नहीं दिया, आपका छूट गया, कुछ भी हुआ है, नहीं दिया है, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपका पैसा वापस नहीं होगा।
इन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर टू प्रोवाइड देयर करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स. वन हेल्प मेनू विल बी प्रोवाइडेड टू गेट एनी क्लेरिफिकेशन और हेल्प इन केस ऑफ एनी ट्रबल विद सबमिटिंग द बैंक अकाउंट डिटेल्स. अगर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने में कोई दिक्कत आती है तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पर दिया गया है. ये बहुत अच्छी बात है. ऑल कैंडिडेट्स हु हैड अपियर्ड द सीबीटी वन आर एडवाइज टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर गेटिंग द रिफंड्स ऑफ एग्जाम फीस. ठीक है, वहाँ पर 100 रुपये लग रही थी फीस, लेकिन आपसे लिया गया था 500 रुपये. दे आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर नेम एंड आईएफएससी कोड इंटर आर करेक्ट एंड चेक इट केयरफुली. जो भी आप अकाउंट नंबर अपना नाम आईएफएससी कोड भरिएगा, बिल्कुल उसको करेक्ट केयरफुली ध्यान से भरिएगा. चेक द केयरफुली बिफोर सबमिटिंग. इट मे बी नोटेड दैट मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक डिटेल्स आफ्टर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल. अगर आपने एक बार उसको मॉडिफाई कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा. और अगर आपका पैसा अटक जाता है, नहीं आता है, तो रेलवे उसके लिए जिम्मेदार, आरआरबी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. जो कि लिखा हुआ है, आरआरबी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फेलर ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट एंड विल नॉट इंटरटेन फर्दर करस्पॉन्डेंस मॉडिफिकेशन इन द रिगार्ड. बिल्कुल ध्यान से भर लीजिएगा. अगर गलत भरा तो आपका पैसा नहीं आएगा और रेलवे इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. यहाँ पर नोट दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं. लास्ट डेट फॉर सबमिशन बैंक डिटेल्स, अभी मैंने आपको बताया था 31 अगस्त 2021 11 बजे तक इसकी लास्ट डेट है. तब तक आप अपडेट कर सकते हैं, जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. देर करेंगे तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है. रिफंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन सर्विस चार्जेस विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पार्टिकुलर्स विथ आरआरबी रिकॉर्ड्स. इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एंड और लेट क्लेम्स विल बी समरली रिजेक्टेड. अगर आप गलत भरते हैं, कंप्लीट नहीं भरते हैं, आधा भरते हैं या लेट क्लेम करते हैं, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा. फोर्थ नंबर है, नो रिफंड विल बी गिवन इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स आर एज अबव. नेक्स्ट, ओनली वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड. यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, आप केवल एक खाते में एक बार में रिफंड ले सकते हैं. अगर आप घर में दो तीन लोगों ने दिया है एग्ज़ाम, तो आप उन सभी का अलग अलग अकाउंट होना चाहिए. यानी सीधी सी बात है, रेलवे एक खाते में एक ही बार भेजेगा, दूसरे के लिए आपको दूसरा खाता चाहिए. द लिंक फॉर फिलिंग अप ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स अलॉन्ग विथ OTP फॉर लॉग इन विल ऑल्सो बी शेयर थ्रू SMS एंड ईमेल टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल IDs ऑफ द कैंडिडेट कंसर्न. ठीक है, अगर आप जब भी ये फॉर्म भरेंगे, लिंक को ओपन करेंगे, तो आपके एक OTP आएगी आपके मेल पर, आपके फ़ोन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको OTP भेजेगा रेलवे, जिससे आपको अच्छे से चेक करके सब कुछ सही हो. तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर आपने भी रेलवे का एग्ज़ाम दिया है, CBT1 अटेंड किया है, तो आपके 400 रुपये और 250 रुपये वापस हो जाएंगे. तो एक बार फिर से नोटिस पढ़ लीजिएगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी लोग फटाफट, 11 तारीख आज 12 तारीख हो गई है, तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है. आप लोग देख लीजिएगा फटाफट, सभी लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा और सही अपडेट करिएगा, केयरफुली अपडेट करिएगा. गलत भरेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपका पैसा वापस नहीं आएगा, उसके लिए RRB जिम्मेदार नहीं है. तो ये थी फ्रेंड्स नोटिस. ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर.